अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के पास अगर हाईक्विजन का NVR और उसमें कैमरे कनेक्टेड थे, पहले चल रहे थे और चलने के बाद वो बंद हो गया और उनके ऊपर यहाँ पर नो लिंक वगैरह लिखा आ रहा है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बेसिकली उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नो लिंक लिखा हुआ आ रहा है, जबकि कैमरे बिल्कुल पहले जो है वो कॉन्फ़िगर थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एकदम से ये इशू आ गया है। तो इस क्या होता है अभी आप लोगों के साथ में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेन मेन्यू में आ जाना है और यहाँ पर कैमरा ओपन कर लो। कैमरों का आप लोगों ने IP चेक कर लेनी है। देखें 192.168.10. आगे समथिंग जो भी हो, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था आप लोगों ने 10 जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखना है, 192.168.10. और समथिंग जो भी आप लोग आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि 192.168.10.12 है, 10.3 है, इसी तरह 10.23 है। यहाँ से नंबर आप कोई भी लगा सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये जो 10 लगाना है, लेकिन आप लोगों को मैं ये डिटेल में बताना भूल गया था कि ये जो 10 है ये आपने किस हिसाब से लगाना होता है, क्योंकि आप यहाँ 9 भी लगा सकते हैं, आप 100 भी लगा सकते हैं, 90 भी लगा, 80 भी, 70 कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी आप लोगों को क्लियर करके जो है वो बताने वाला हूँ। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना है और यहाँ पर नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें यहाँ से इनेबल होगा DSCP, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले तो अनचेक करना है, ये भी मैंने बताया था, इसको आप लोगों ने अनचेक करना है और खुद से IP जो है वो यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इसने जो राउटर का जो IP था वो यहाँ पर इसने गेट कर लिया है। अगर आप लोग इसको ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप लोगों को राउटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको ऑनलाइन करना चाहते तो आप लोग राउटर लगा सकते हैं। ऑनलाइन करने का क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है, उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप लोग स्टैटिक IP लगाने अपने कैमरों को ऑनलाइन नहीं करना चाहते, इसके ऊपर भी एक कमेंट्स आया था, तो मैं अभी बता दूं कि आप लोगों को NVR बगैर किसी, मतलब कि आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपके पास NVR नहीं है और सिर्फ PU स्विच है तो आप लोग फिर भी अपने सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं कैमरों को। उसमें ये होगा कि रिकॉर्डिंग जो आपके NVR में नहीं होगी, आप सिस्टम में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग NVR लगा सकते हैं और NVR के साथ PU स्विच लगाएं और उसके बाद LCD के ऊपर इसको देख लें। अगर आप लोग इनको ऑनलाइन नहीं करना चाहते फिर आपको वाईफाई राउटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वाईफाई राउटर की उस टाइम जरूरत पड़ती है जब आप लोग इनको ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो चलिए जो इशू था उसके ऊपर आप बात करते हैं। ये देखें यहाँ पर 1 लिखा, तो आप लोग यहाँ से इसको अनचेक करना है और यहाँ से आपने कुछ भी ये क्या 1 है, तो यहाँ मैं अगर 9 लगाऊंगा ये कैमरे फिर भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर 9 और उसके बाद यहाँ पर 103 है, जो भी आप लोग इसको जो है एक्यूरेट लगा सकते हैं। अगर इसको चेक करना चाहें तो आप अपने मुताबिक जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल ये लगा दिया और यहाँ पर भी 9 लगाता हूँ। कुछ भी मेरे बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये गलत नहीं लगाना, अगर आप इसके मुताबिक कुछ भी लगाएंगे तो ये आपके कैमरे नहीं चलेंगे। और अप्लाई पर क्लिक कर अभी भी कैमरे ऑन नहीं होंगे, ये देख लें DSCP से हटाकर मैंने स्टैटिक IP लगाया जबकि कैमरे फिर भी ऑन नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि इसकी क्लास सेम होनी चाहिए। मेन्यू कर ओपन करते हैं, यहाँ पर क्योंकि 10 है तो आपने 192.168.10 यहाँ तक ये पहले 3 जो डिजिट्स हैं ये एक्यूरेट इनके मुताबिक लगाने हैं तो इंशाल्लाह आपके कैमरे जो है चल जाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको स्टेटस भी दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जस्ट अभी स्टेटस भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि कैमरा इसके साथ बिल्कुल जो है वो कनेक्टेड है। और आप ये देखिएगा, ये देखिए द नेटवर्क इज अनरीचेबल। तो अगर तो कैमरे ख़राब है, आप लोग कैमरे भी चेक, कैमरे वगैरह सब कुछ आपका ओके है तो फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोगों को चेक कर लें, क्योंकि कैमरा उतरा हुआ होगा फिर भी यही स्टेटस आएगा, ये वाला सेम स्टेटस आएगा। तो इसलिए आप लोग पहले कैमरे चेक करें उसके बाद IP वगैरह। तो चले अभी जो है जो इसका एग्जैक्ट IP था वो लगाते हैं, कन्फिगर करते हैं, नेटवर्क में आते हैं और यहाँ पर इसको जो है 10 का IP जो है वो साइन करते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की क्लियरली समझ आ चुकी है कि आपने IP कौन सा लगाना और कैसे लगाना है, क्योंकि IP कैमरों को आप लोग जब कन्फिगर करें तब आप लोग असाइन करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने अब 10 की सीरीज में ये IP लगा दी है क्लास के मुताबिक, आपका कोई भी हो तो आपने उसके मुताबिक ये चीज़ याद रखिएगा, आपने उसके मुताबिक जो है ये IP साइन करना है। यहाँ से इसको मैं फिलहाल अरेज करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है। ये देखिए अब मैंने कर दी और अप्लाई पर क्लिक करते और बैक चलते और अभी ये कैमरे ऑन हो जाएगा। ये देखें जैसे ही मैंने ये लगाया और तीनों के तीनों कैमरे जो ऑन हो चुके हैं। तो अगर आप समझ रहे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।